हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो सम्राट गेम वी के, एक हिंदी गेमिंग चैनल। तो आप शुरू करते हैं बैटमैन एवेंजर्स। तो फ्रेंड्स, ये एक गेम रिव्यू है, और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैटमैन सीरीज भले कितने भी गेमें हो, पर बैटमैन एवेंजर्स मेरे को मुश्किल लगती है और गेमों से ज़्यादा बैटमैन की गेम में। और हाँ, बैटमैन एवेंजर्स अपनी पहले की सभी बैटमैन गेम्स में बहुत अच्छी गेम थी, और इसके अलावा बैटमैन की आगे की गेम सीरीज इसके बाद आई थी, जैसे कि बैटमैन आर्गम सीरीज। पर हम बात करते हैं फिलहाल बैटमैन एवेंजर्स की। तो बैटमैन एवेंजर्स 2D गेम है, जो आप लिंक जैसे 2K एमुलेटर में भी चला सकते हैं, और डॉल्फिन व्हील एमुलेटर में भी अवेलेबल है। और ये बहुत अच्छी गेम है, और ये बैटमैन एनिमेटेड सीरीज से रिलेटेड है, लेकिन इसमें उसी का एनिमेशन है। और इसमें अलावा हम आपको बैटमैन की गैजेट्स और बैट मोबाइल, और उसके अलावा बैटमैन के जेट चलाने का पूरा मौका मिलता है। तो इसमें बैटमैन का लगभग सब है, और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ अपनी वॉइस के साथ। तो इसी के साथ गेम रिव्यू है। और फ्रेंड्स, आपको ये गेम अच्छी लगती हो नहीं लगती हो उसका अरे पता नहीं, पर यह बहुत क्लासिक गेम है, क्योंकि लोग तो आजकल ऑनलाइन गेम खेलते हैं फिर हाई ग्राफिक वाली। पर बैटमैन एनिमेटेड सीरीज बहुत अच्छी गेम है, मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बचपन में एनिमेटेड सीरीज देखता था, उसी हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया है। और ये 2D में, और इफेक्ट से काफ़ी अच्छे हैं बैटमैन एवेंजर्स का। और इसमें विलन्स भी एक से बढ़कर एक विलन मिलते हैं, जैसे कि शुरू में थे जोकर, मिस्टर फ्रीज और पॉइजन आईवी, और इसके अलावा भी और भी विलन्स हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें बैटमैन की गैजेट्स या जेट्स में मज़ा आता है चलाने में, और बैट मोबाइल। जबकि बैटमैन और अगली गेम में जाई बैटमैन आर्गम सीरीज, उसमें बैट मोबाइल चलाने का ना के बराबर चांस होता है। और इसके अलावा बैटमैन की आर्गम नाइट सीरीज है, उसमें ही खाली बैट मोबाइल चला सकते हो, इसलिए वो बड़ी थी। फ्रेंड्स, बैटमैन एवेंजर्स में सिर्फ इतना ही। अब बात करते हैं बैटमैन आर्गम सीरीज के हिसाब से। पर बैटमैन एवेंजर्स में आपको इतना कम MB में मिल रहा है, 490 MB का होगा लगभग, और डॉल्फिन एमुलेटर में भी इतना ही का होगा। तो उसमें भी आप चला सकते हैं, इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। पर ये गेम नॉट सो ईजी, मुझे आज भी ये गेम थोड़ी मुश्किल लगती है, इसके लेवल्स काफ़ी गजब बनाए गए हैं। और भले इसमें ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है जिसमें हम घूम सकें, पर फिर भी ये गेम बहुत अच्छी बनाई गई है उस टाइम के हिसाब से। इसने बैटमैन के सभी पहले की गेमों को पीछे छोड़ दिया, और कह सकते हैं शायद इसी के बाद बैटमैन आर्गम सीरीज की शुरुआत हुई। तो गेम रिव्यू में बहुत कम करता मेरे चैनल में, तो इस वजह से इसका रिव्यू मैंने किया है, और मुझे मिनट से पहले और भी वीडियो में इसके बारे में थोड़ा बताया था। तो इसके अलावा मेरे चैनल में मिलेंगे आपको 100 अमेजिंग वीडियोस, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। और चैनल को देख रहे तो प्लीज़ वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बैटमैन आर्गम सीरीज के बारे में। उसका गेम प्ले बहुत अच्छा है, इसका ग्राफिक ज़्यादा अच्छे, भले ही आपको नहीं लगते आज के मुकाबले, पर एक क्लासिक गेम है और मेरे को आज भी अच्छी लगती है, और आप में से बहुत से लोग क्लासिक गेम के फैंस जरूर होंगे। तो ये ऑफलाइन है, तो चलो आप आगे बढ़ते हैं आर्गम सीरीज की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगली तरफ। तो बैटमैन प्लेइंग स्टेशन 2 में मैंने बता दिया बैटमैन एवेंजर्स के बारे में, अमेजिंग गेम प्लेइंग स्टेशन 2 की। और इसके अलावा एक गेम और है जिसका नाम है ये राइज ऑफ द साइन बैटमैन, और इसमें बैट फैमिली है, यानी नाइट विन और रॉबिन बैट गर्ल इसमें। पर ये गेम वैसी नहीं है बैटमैन एवेंजर्स की तरह, इसमें एडवेंचर है पर उस तरीके का नहीं है, और ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद करते हैं बैटमैन बिगेंस। बैटमैन बिगेंस मूवी बेस्ड गेम है, जो बैटमैन गेम में आगे की सीरीज रही बैटमैन एवेंजर्स के बाद, और ये सबसे अमेजिंग गेम है ये बैटमैन की, मतलब मूवी बेस्ड में बहुत अमेजिंग गेम है। और अब बात करते हैं बैटमैन ओरिजन, जो प्ले स्टेशन 3 और PC में अवेलेबल है।
और ये ओपन वर्ल्ड गेम है, इसमें मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ओपन वर्ल्ड गेम है बैटमैन ओरिजन, पर इसमें भी वो एक्शन और भले ही सब कुछ बहुत अच्छा है, पर इसमें हाई ग्राफिक्स भी है और अच्छा भी है, पर फिर भी एक चीज़ की कमी, इसमें बैटमैन की आपको बैट मूवी चलाने का चांस ना के बराबर होगा। और हालांकि बैटमैन की जिसको अच्छे से यूज़ किया गया, सबसे फर्स्ट में आती है बैटमैन आर्गम। तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया आपको, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और फिर मिलने एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे एक नई चैनल एक नई वीडियो में। गुड बाय।